दोस्तों यहाँ पर आज हम क्विक अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रेडमी नोट 11S की, जो इंडिया में हाल ही में अभी लॉन्च हुआ है। एंड इसका मेरे पास 8 GB वाला यहाँ पर वेरिएंट है। एंड फटाफट से इसकी आपको मैं जो की स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। 8 GB वाला दोस्तों मेरे पास वेरिएंट है, मेड इन दोस्तों ये चाइना ही आता है। और इसमें आपको 90 Hz की फुल HD प्लस एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसमें आपको 33 वॉट का दोस्तों चार्जर यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो थोड़ा सा पुराने वाले चार्जर से हल्का सा यहाँ पर फास्ट है। यहाँ पर आपको इसमें कवर भी देखने को मिल जाती है। उसके नीचे यहाँ पर आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। जो स्मार्टफोन है दोस्तों उसका जो कलर है मेरे पास वो पोलर वाइट है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके डिज़ाइन की तो मुझे डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा। कॉम्पैक्ट दोस्तों ये फ़ोन है, ये उन लोगों के लिए बना है जिनको हैंडी फ़ोन चाहिए बिल्कुल, जो हाथ में आराम से आ जाए, और जिनको बड़ी स्क्रीन चाहिए तो वो यहाँ पर रेडमी के जो 10 Pro वगैरह है जो अभी आपको मिल रहे हैं उसमें जा सकते हैं, या फिर जो रेडमी नोट 11 Pro आने वाला है उसको भी आप यहां पर परचेज़ कर सकते हैं। इसमें 108 MP का आपको मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड है, 2-2 MP के यहां पर मैक्रो और डेप्थ सेंसर प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें दोस्तों जो लाइट यहां पर रिफ्लेक्ट होती है वो काफ़ी अच्छी देखने को लगती है। उसके बाद बात करें स्क्रीन की तो सुपर एमोलेड यहाँ पर स्क्रीन है, एंड जो ब्राइटनेस है वो दोस्तों मैं सच में कहूँ तो बहुत ही अच्छी है। इसकी स्क्रीन यहाँ पर वर्थ ऑफ मनी है दोस्तों, तो स्क्रीन में कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। बात करें यहाँ पर उसके नीचे बॉक्स में आपको 33 वॉट का प्रो फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि क्विक चार्ज का सपोर्ट आपको देगा। एंड यहाँ पर टाइप सी आपको केबल इसमें देखने को मिल जाती है। तो ये सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इस कंप्लीट बॉक्स में। एंड अगर बात करें केबल की तो ये भी यहाँ पर मेड इन चाइना है, तो सारा फ़ोन दोस्तों मेड इन चाइना है उसमें कोई यहाँ पर शक नहीं है। एंड लेकिन जो क्वालिटी है हाँ वो काफ़ी अच्छी है। एंड MIUI जो आपका यहाँ पर 13 है वो आपको देखने को मिलेगा, 13.1। तो ये सब कुछ इस बॉक्स में आपको देखने को मिलता है। एंड ये यहाँ पर क्विक अनबॉक्सिंग थी इस फ़ोन की। एंड इसमें आपको दो कलर्स और भी देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं।